कल की 2898 AD अभी तक इस फिल्म का जितना भी प्रोमो मटेरियल निकल कर आया है वो सब देख के मैं यही कहूंगा कि फिल्म एम्बिशियस तो लग रही है। इसके सेट्स VFX कास्ट देखकर लग रहा है कि नाग अश्विन इज डिटरमिन्ड टू गिव अ वर्दी थिएटर एक्सपीरियंस टू अस। अब ये फिल्म हमें वो वर्दी थिएटर एक्सपीरियंस देने में कामयाब होगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैं इस फिल्म को एक चांस जरूर देना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार इंडिया में कोई डिस्टोपियन फिल्म सीरियसली ली जा रही है। अब इसका पहला ट्रेलर देखकर मैंने इसका प्लॉट अजम्पशन ये किया था कि ये ईयर 2898 AD में सेट रहेगी जहां लोगों के बीच एक हार्डकोर क्लास डिवाइड हो चुका है। पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से पैसे वाले लोग कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड अर्थ है, मगर गरीब लोग उस बंजर काशी में ही रह गए हैं जहां खाना पानी अभी ना के बराबर बचा है और कॉम्प्लेक्स में जाने की उनकी हैसियत नहीं है क्योंकि उसका एंट्री चार्ज ही 1 मिलियन यूनिट्स है। इसी दुनिया में अश्वत्थामा और बाकी के 6 इमॉर्टल वॉरियर्स छुप कर रह रहे हैं जिन्हें अब बाहर आना पड़ेगा इस डार्क एरा को खत्म करने के लिए जिसे कलयुग कहते हैं, जिसका रूलर है कली AKA यास्किन। अब यास्किन के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं या फिर वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर रूल कर रहा है ये अभी अनक्लियर है। इन सिंपल वर्ड्स कली एक फॉल्स गॉड होगा जो एक टूटी बिखरी दुनिया के लोगों को खाना पानी ऐशो आराम देने का वादा करेगा और बदले में उन्हें उसे अपना गॉड मानना होगा और इस फॉल्स गॉड को इस्लाम में दज्जाल और क्रिश्चियनिटी में एंटीक्रिस्ट कहते हैं। अब इस फॉल्स गॉड के अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं मगर काम एक ही है, लोगों को मिसलीड करके खुद को खुदा की तरह दिखाना। और इस फॉल्स गॉड को मारने के लिए आएगा एक मसीहा जो इस कलयुग को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होगा, इसे कल की महदी या मसाया कहेंगे और मुझे नहीं लगता कि वो हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा क्योंकि कल्कि के इनिशियल प्लान्स तो एक 3-पार्ट फ्रेंचाइज के हैं जहां हमें उसके पैदा होने से लेकर कलयुग खत्म करने तक की स्टोरी देखने को मिलेगी। इसका मतलब भैरवा और सुमती तब तक बुढ़े हो चुके होंगे और अश्वत्थामा का रहना तो पक्का ही है क्योंकि अश्वत्थामा को कलयुग खत्म होने से पहले चैन की मौत मिल ही नहीं सकती। मैं सिंपल बात कहूंगा, ये फ्रेंचाइज जितनी लंबी चलेगी मेरा इंटरेस्ट उसमें उतना कम होता जाएगा। मेरा इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनते हुए देखने का कोई मन नहीं है। मैं चाहता हूं कि 3 फिल्मों के अंदर अंदर इसकी स्टोरी को निपटा दिया जाए क्योंकि बेसिक प्लॉट तो मुझे पहले से ही पता है, एंड में क्या होगा मैं वो भी जानता हूँ। मैं इसे 2 रीजंस की वजह से देखूंगा, ये एक एक्शन फिल्म है और ये स्टोरी पहली बार लाइव एक्शन में अडेप्ट की जा रही है क्योंकि मुझे नाग अश्विन के विजन में दम दिख रहा है। एक फिल्म के लिए असलियत में एक मॉन्स्टर कार बना देना काबिले तारीफ, और बाकी फिल्म में कोई और ढंग का काम करे या ना करे मुझे भरोसा है कमल हासन पर, ही इज गोना नेल हिज रोल। गाए और गाए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। अभी थियरी बन रही है कि यास्किन का इरादा अपनी रूह को, अपने सबकॉन्शियस को किसी यंगर और हेल्दियर बॉडी में ट्रांसफर करने का है, एंड आई होप कि ऐसा हो क्योंकि मुझे ये कमल हासन पसंद है, द एक्शन हीरो। ऐसी खटारा बॉडी में क्या ही एक्शन करते बनेगा, मुझे तो लाइफ सपोर्ट पे लग रहा है वो आदमी। इसके अलावा भाई मुझे जाननी है अश्वत्थामा की कहानी, इतनी सदियां इस दुनिया में सरवाइव कैसे किया होगा, वो आसिरगढ़ वाली कहानी बता दे तो मैं तो इम्प्रेस हो जाऊंगा। अब मेरा समय आ गया है, अंतिम युद्ध का समय आ गया। असल एवर नबू द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। जिन लोगों को नहीं पता, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नाम की एक सिटी के पास आसिरगढ़ फोर्ट है जहां रात को अश्वत्थामा के उस किले में आने के किस्से चलते हैं। हालांकि देखा किसी ने भी नहीं है और रात को उस किले में जाना मना है, अगर उस स्टोरी को फिल्म में एड्रेस कर दे तो मजा आ जाएगा। अब इसका सेकंड ट्रेलर भी आ चुका है जो पहले ट्रेलर से काफी इंप्रेसिव है। इसमें हमें कुछ अच्छे एक्शन शॉट्स दिखाए गए हैं। नाउ हियर आर द शॉट्स आई लाइक इन द ट्रेलर, ये भैरवा और अश्वत्थामा के फाइट शॉट्स जहां डेफिनेटली CGI यूज किया गया है पर अच्छा है। ओके, तो हमें अश्वत्थामा की नजर से महाभारत की जंग का एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है और यहाँ पर उन सबको सिर्फ एक आदमी ने गिराया है। क्या लगता है कौन है वो भीम? शक्ल भी तो नहीं दिख रही है, वो एक्टर जो भी है मुझे 6 फुट के आसपास का लग रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है, यहाँ यास्किन के लेफ्ट और राइट पर 2 ह्यूमन बॉडीज हैं जिन्हें शायद प्रिजर्व करके रखा गया है और वो दोनों यास्किन से साइज और हाइट में काफी लंबे चौड़े दिख रहे हैं। क्या लगता है क्या चल रहा होगा यहाँ पर?
इस जगह पर टूटे हारे हुए अश्वत्थामा को एहसास होगा कि महाभारत अब खत्म हुई और अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ सदियों तक इस दुनिया में भटकने के लिए, और मेरे सर का वो जख्म कभी भरने नहीं वाला। भाई यार, ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहेगा? तुम नीचे कमेंट्स में बताना मुझे, क्या तुम कभी इमॉर्टल बनना चाहोगे? ये है वो फर्टाइल लैब जिसे यूज किया जाएगा बच्चे पैदा करने के लिए। तुम पीछे देखोगे तो कितने सारे चेंबर्स होंगे। वो सब तो ठीक है, मगर ये कॉम्प्लेक्स की आर्मी उस खाली पहाड़ पर गोलियां क्यों चला रही है? क्या लगता है क्या होगा वहां पर? और ये लास्ट शॉट जब बुज्जी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आई होप यहाँ हमें अच्छा खासा खेओस देखने को मिले। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। ऑलराइट, तो ये थे मेरे थॉट्स कल्की के सेकंड ट्रेलर पर। अब हम सीधे इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसे देखने के बाद। अपने जो भी थॉट्स हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। माय करंट गोल इज टू रीच 1K सब्स एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन X, Instagram एंड Letterboxd। थैंक्स फॉर वॉचिंग।